हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वी कनेक्ट रेजिस्टर अक्रॉस कैपेसिटर और व्हाई वी कनेक्ट ब्लेडर रेजिस्टर अक्रॉस कैपेसिटर। फ्रेंड्स, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो आजकल हर इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटेटिव प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जनरली कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टर क्यों कनेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेरी को दूर करेंगे और देखेंगे क्यों जनरली हम इसे कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास दो कैपेसिटर है जनरली 10 kVAr के। फ्रेंड्स, एक कैपेसिटर के अक्रॉस के में हमने रेजिस्टर कनेक्ट करके रखे है और एक कैपेसिटर के अक्रॉस के हमने जो रेजिस्टर है उन्हें निकाल लिए। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्या डिफरेंस होगा और क्या इसमें फर्क आएगा जिसमें जनरली रेजिस्टर कनेक्ट है उसमें और जिसमें रेजिस्टर कनेक्ट नहीं है उसमें क्या फर्क आएगा। फ्रेंड्स, जनरली हमने दोनों कैपेसिटर की सप्लाई एमसीबी से दी है और ये हमारा रेगुलर कैपेसिटर जो रनिंग में है इसमें हमने जनरली रेजिस्टर लगा के रखे है। 100 kΩ के रजिस्टर लगे हुआ है, बहुत हाई रेंज का रजिस्टर है। फ्रेंड्स, इसके अक्रॉस का हमने रजिस्टर निकाल लिया है। अब हम पहले सप्लाई चालू कर लेते हैं और सप्लाई चालू करने के बाद देखिए क्या डिफरेंस आएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा स्विच है एमसीबी का, अभी हम इसे चालू करते हैं। ये अभी हमने चालू किया, अभी हमारे दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं। अब देखिए क्या होगा। बट फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं ऐसा हम करते क्यों है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हमारे कैपेसिटर में सप्लाई जाती है तो हमारे कैपेसिटर क्या फुली चार्ज हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे ही हम सप्लाई को बंद करते हैं तो सप्लाई तो बंद हो जाती है बट जो कैपेसिटर के स्टोर एनर्जी होती है उस सप्लाई को कैपेसिटर जनरली स्टोर कर लेता है, जिससे कोई भी अननोन पर्सन उस कैपेसिटर को बाद में हाथ लगाएगा तो उसकी सप्लाई पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होगी और उसमें कोई ना कोई चार्ज रह जाएगा जिससे उस अननोन पर्सन को शॉक लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इस शॉक से बचने के लिए जनरली हम कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टर लगाते हैं ताकि जो हमारा कैपेसिटर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाए। तो फ्रेंड्स, जनरली हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए ही रेजिस्टर को लगाते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या फर्क आएगा। जो फ्रेंड्स, जिसके अक्रॉस हमने रेजिस्टर लगाया है वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा और जिसके अक्रॉस नहीं लगाया है वो डिस्चार्ज धीरे धीरे होगा, उसके बाद भी फुली डिस्चार्ज नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई चार्ज रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम मल्टीमीटर से देखिए किस तरह क्या फर्क होगा, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर को 600 वोल्ट की रेंज में सेट किया है क्योंकि हमने इसमें 440 सप्लाई दी है। अब हम पहले इसके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 440 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 440 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 440 दिखाएगा क्योंकि दोनों कैपेसिटर अभी ऑन कंडीशन में है। अब फ्रेंड्स, हम जैसे ही इसे ऑफ करेंगे तो फ्रेंड्स जिसके अक्रॉस में रेजिस्टर लगा हो तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा बट जिसके अक्रॉस में रेजिस्टर नहीं है वो डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लेगा और डिस्चार्ज होने के बाद भी उसमें कोई ना कोई चार्ज रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अभी फ्रेंड्स इसमें 440 सप्लाई आ रही है, अब हम इसे ऑफ करते हैं। फ्रेंड्स, अभी 440 आ रही है, जैसे इसे ऑफ करेंगे ये तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जनरली अब इसे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें भी 440 सप्लाई आ रही है। अब इसे जैसे ही बंद करेंगे फ्रेंड्स डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लेगा, उसके बाद डिस्चार्ज हो भी गया उसके बाद हम जब भी इसमें लगाएंगे सप्लाई तो कुछ ना कुछ इसमें रीडिंग आती रहेगी और ये पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जनरली इसीलिए हम जनरली कैपेसिटर के अक्रॉस रेजिस्टर लगाते हैं ताकि हमारा जो रेजिस्टर कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो जाए और किसी को कोई शॉक नहीं लगे। तो शॉक से बचने के लिए जनरली हम रेजिस्टर को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें
और फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पे जनरली कंटिन्यू इंटरव्यू प्लस इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग के वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। थैंक्स फ्रेंड्स।